इसमें है एक्सरसाइज नंबर 5.2, और इसमें रिपीटेड फैक्टर के लिए सपोजिशन कैसे लेना है उसको एक प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, 2x² - 3x + 4 ओवर x - 1 क्यूब। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें रेपिटेशन हमें कब पता चलती है, कि जब एक सेम फैक्टर्स के ऊपर पावर आ रही है तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर इतने टाइम रिपीट कर रहा है खुद को। पावर 2 आ रही है तो 2 टाइम रिपीट कर रहा है, पावर 3 आ रही है तो 3 टाइम रिपीट कर रहा है। प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा कि हमने पहले ये देखना है कि क्या ये प्रॉपर फॉर्म है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में पावर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में पावर लेसर है, तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्म है। अब यहाँ पर सपोजिशन कैसे करेंगे, लेट 2x² - 3x + 4 ओवर x - 1 होल क्यूब, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा। अब सपोजिशन वैसे ही होगी a ओवर x - 1, लेकिन चूंकि फैक्टर हमारा रिपीट कर रहा है तो जहां तक रिपीट कर रहा है हम उतने ही रेपिटेशन वाले पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सपोजिशन करेंगे। अगर 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो 2 कांस्टेंट लेट करेंगे, 3 टाइम रिपीट कर रहा है तो 3 लेट करेंगे, लेकिन हर नेक्स्ट सपोजिशन में हमारे पास उसकी जो डिग्री है फैक्टर की वो बढ़ती जाएगी और वो वहां तक मैक्सिमम जाएगी जहां पर हमारे पास मैक्सिमम गिवन है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखें मैक्सिमम पावर 3 थी तो हमें उसकी सपोजिशन में ए ओवर x - 1 होल पावर 1 से कंसिडर किया, अगले में 2 आ गया, अगले में 3 आ गया, 4 होता तो हम डी के लिए भी कंसिडर कर लेते, 5 होता तो आगे एक और स्टेप मूव कर, यानी कि जितनी पावर आ रही है उतने हम कॉन्स्टेंट लेट करते जाएंगे। ये रेपिटेशन में फ़र्क है, बाकी प्रोसीजर वही है। हम यहाँ पर वही काम करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by x - 1 होल क्यूब, वैसे ही कि जो यहाँ पर पड़ा है उससे मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा 2x² - 3x + 4, क्योंकि ये जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया। इक्वल के बाद यहाँ पर जब आएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी 3 है, तो 1 कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पर पावर 2 बच जाएगी। जब इधर b पर आएंगे तो 2 पावर है, इधर 3 है, कैंसिल होकर सिर्फ 1 पावर बच जाएगी, और इधर जब आएंगे तो सेम फैक्टर होने की वजह से कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली c रह जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू यहाँ से तो निकाल लेंगे जो लीनियर फैक्टर है, इधर से हम वैल्यूज नहीं निकाल सकेंगे। पहले हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, मैंने लिखा यहाँ से पुट x = 1 इन इक्वेशन 2। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, x की जगह आ जाएगा 1 होल स्क्वायर - 3 * 1 + 4 = a * 1 - 1 होल स्क्वायर + b * 1 - 1 + c। ये देखें दोनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 + 4 = हमारे पास सिंपली c आ जाएगा, तो 2 और 4 6, 6 में से 3 गए तो c = हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट करना क्या है, इसमें चेंज क्या है, वो यहाँ से मैं इसको कलर चेंज करके लिखूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने एक्सरसाइज 6.5.1 में किए हैं उसमें और इसमें चेंज क्या है रिपीटेड फैक्टर के लिहाज से। तो यहाँ से इसका चेंज शुरू होगा और वो ये होगा, फर्स्ट स्टेप कि आपने करना है रीराइट इक्वेशन 2, इसको रीराइट करना है। रीराइट का मतलब है हमें इसको सिंपलीफाई करना है और एक्सपेंड करके लिखना है 2x² - 3x + 4 = a, इसका स्क्वेयर ओपन कर देंगे x² - 2x + 1 आ जाएगा +bx - b + c आ जाएगा। यहाँ से 2x² - 3x + 4 = ax² - 2ax + a + bx - b + c। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, हमें इसको एक्सप्लोर कर दिया सारी को, अब हमें दो वैल्यूज चाहिए, किसकी, ए की और बी की, क्योंकि सी की तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने कोफिशेंट्स कंपेयर करने हैं इसमें वेरिएबल्स के,
और स्टार्ट हमेशा हाईएस्ट डिग्री से करनी है जो भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, क्योंकि मुझे दो वेरिएबल अननोन फाइंड करने हैं तो मैंने इसलिए एक्स स्क्वायर के बाद एक्स किया। अगर मुझे तीन फाइंड करने होते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स और कॉन्स्टेंट के भी कंपेयर कर लेता, लेकिन हमें तीसरे की ज़रूरत नहीं है, तीसरा हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 2 है और कोई टर्म भी एक्स स्क्वायर वाली नहीं है। इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो इधर से कोफिशेंट हमारे पास a है, तो ये फौरी तौर पर हमें a की वैल्यू मिल गई। अब जब हम 4x के लिए जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोफिशेंट -3 है, राइट हैंड साइड पर जाएंगे -2ab है और प्लस यहाँ से b भी है, दो मिल गए। अब यहाँ पर देखें a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, -3 = -2 × 2 + b, तो ये -3 = -4 + b आ जाएगा। 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो b = 4 − 3 = 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तो इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1, तो 1 यहाँ से शुरू हो रही है हमारे पास, 2x² - 3x + 4/x - 1 होल क्यूब, ये इक्वल टू है a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2/x - 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई +1/x - 1 होल स्क्वायर और c की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, तो 3/x - 1 होल क्यूब, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी आ चुकी हुई है। और ये है हमारे पास मेथड जिसमें हम लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें सिर्फ यही टेक्निक है कि लीनियर और रिपीटेड फैक्टर में जिस फैक्टर की वैल्यू निकलती है निकालने के बाद हमने इक्वेशन को रीराइट करना है और कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हुए बाकी अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये पावर निशानदेही कर रही है रेपिटेशन की, और यहाँ पर भूलना नहीं है कि जब भी एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर आए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये रिड्यूसिबल टू लीनियर है, तो इसको सॉल्व करते हुए आपने रिड्यूस कर लेना है। ये 4x³ / ये आ जाएगा x - 1 और x + 1, ये इसके फैक्टर आ गए, और यहाँ पर x + 1 होल स्क्वायर भी था, तो टोटल बन जाएगा x + 1 होल क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये लीनियर फैक्टर्स हैं दोनों ही, लेकिन ये पावर बता रही है कि हम ए रिपीट कर रहे हैं, तो इसकी सपोजिशन क्या करेंगे, लेट करेंगे 4x³ / x - 1 or x + 1 होल क्यूब = a/x - 1 + b/x + 1 + c/x + 1 होल स्क्वायर + d/x + 1 होल क्यूब आ जाएगा। ये सारे के सारे लेट हो गए और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इसी तरह करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x - 1 and x + 1 होल क्यूब। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर जस्ट 4x³ आएगा यहाँ पर a के साथ। अगर आप देखें तो x - 1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा x + 1 होल क्यूब। प्लस b की तरफ जाएंगे तो b के साथ x + 1 कैंसिल होगा, तो x - 1 भी बचेगा और x + 1 3 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम बच गया। जब इस पे जाएंगे c के साथ तो x - 1 तो आएगा, x + 1 भी आ जाएगा, और एंड d पर जब जाएंगे x - 1 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1/1 दो फैक्टर्स की वैल्यू निकलती है, तो हम ये निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = 1 इन इक्वेशन 2
तो मेरे पास आ जाएगा 4 × 1³ इक्वल टू ए इंटू 1 + 1 होल क्यूब प्लस, आगे मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा, क्यों क्यों नहीं पुट कर रहा, यहाँ पर 1 - 1 0, यहाँ पर 1 - 1 0, यहाँ पर 1 - 1 0, तो मुझे यहाँ से मिल गया 4 = a × 2³, हमारे पास 4 = 8 आ गया ए, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, मैं यहाँ से लिखूंगा पुट एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ से -1 पुट करेंगे तो 4 × -1³ आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें -1 पुट किया ये भी 0, यहाँ पर -1 पुट किया तो -1 + 1 ये 0, यहाँ पर -1 पुट किया ये भी 0, सिर्फ ये बचेगा, तो मैं डी इज इक्वल टू -1 - 1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा -4 = -2D, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो डी इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल और ये डी इज इक्वल टू 2 आ गया, हमारे पास डी भी आ चुका हुआ है, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम री राइट करेंगे, री राइट इक्वेशन 2, तो उसमें क्या आएगा 4x³ इक्वल टू ए इंटू क्यूब ओपन हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, और यहाँ से आ जाएगा प्लस b × x - 1, और इसका स्क्वेयर ओपन हो जाएगा x² प्लस 2x + 1, और प्लस यहाँ पर c आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो x² - 1 आ जाएगा और प्लस dx - d आ जाएगा। मज़ीद ओपन करते हैं, 4x³ इज इक्वल टू ax³ प्लस 3ax² प्लस 3ax प्लस ए, यहाँ पर आ जाएगा प्लस b इंटू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x³ प्लस 2x² प्लस x - x² -2x - 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस cx² माइनस c प्लस dx - d, 4x³ एज इट इज, और हमें उस वक्त तक एक्सपेंड करना है इसको कि जब तक हमारे पास हर वैल्यू के कोफिशंट क्लियरली नज़र नहीं आ जाते, ax³ प्लस 3ax² प्लस 3ax प्लस a प्लस, यहाँ पर x³ वाली एक ही टर्म है तो bx³ हो गया, यहाँ पर x² और इसमें से x सब्ट्रैक्ट हुआ तो सिंपली x बचा, तो वो b से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल bx² हो जाएगा, 2x² में से x² आपके पास सिंपली x² बचेगा, इसी तरह ये -2x प्लस x आपके पास -x बचेगा, तो ये -bx हो जाएगा, -b प्लस cx² माइनस c प्लस dx - d। अब आप देख सकते हैं कि सारी टर्म के कोफिशेंट अलग से नज़र आ रहे हैं, और अब भी हमें सिर्फ दो ही कोफिशेंट फाइंड करने हैं, एक b फाइंड करना है और एक c, हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ x³ एंड x², बस दो के कर लेते, हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करेंगे, x³ के लिए हमें 4x³ हमें लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला 4 मिला, राइट हैंड साइड से हमारे पास एक आ गया a, एक आ गया हमारे पास b, अब a और b में से a की वैल्यू हमारे पास थी तो 4 = 1/2 प्लस b आ गया, ये उधर जाकर माइनस होगा, 4 - 1/2 = b आ गया, 8 - 1 तो ये 7/2 आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, हम लिखेंगे 4x², x² के कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर x² का कोई कोफिशेंट नहीं है, वो हमारे पास 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर x² का कोफिशेंट निकालेंगे तो पहला हमारे पास ये 3 आया, दूसरा हमारे पास x² का कोफिशेंट b आया, और तीसरा x² का कोफिशेंट c आया, और कोई भी x² का कोफिशेंट नहीं है, तो 0 = 3, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 7/2 और c आ जाएगा, तो 0 = 3/2 प्लस 7/2 प्लस c, तो हमारे पास एलसीएम लेके 0 =
टेन बाय टू आ जाएगा और ये कैंसिल होकर जीरो इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा और सी इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास ए बी सी सारी वैल्यू आ चुकी हुई हैं। अब क्या करना है, जस्ट सब्सटीट्यूट करना है। ए की वैल्यू इधर आ जाएगी वन बाय टू, बी की वैल्यू इधर आ जाएगी सेवन बाय टू, सी की वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस फाइव और दिस, और डी की वैल्यू हमारे पास आई हुई है टू। तो ये इसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन वन में, तो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी आ चुकी है। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की है टाइप टू, जिसमें हमने लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट एक टाइप डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे और उसकी भी एक दो टाइप्स हैं, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड, जिसमें क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड तक फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर को डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।